हमारा नाम मुसा देवी है। हम यहाँ पर झाड़ू देते हैं, पानी पीने पिला देते हैं और टेलीफोन अटेंड करते हैं, फाइल इधर उधर ले जाते हैं। तो आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं? हम यहाँ 90-92 ईस्वी से काम कर रहे हैं। उषा देवी खूटी अमृतपुर कदमा की रहने वाली है, जो भारतीय संचार निगम लिमिटेड खूटी में कार्यरत है, जिन्हें लगभग 8 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण मुश्किल से अपना परिवार का गुजारा चला रही है। जब ठेकेदार को बात करते हैं तो ठेकेदार बोलता है जीएम से भेंट कीजिए, जीएम बोलता है कि हम ठेकेदार कहाँ आपको दे दिया, वो पेमेंट करेगा बोल के। अभी इतना तकलीफ हो रहा है, उधार पैंचा कर्ज करके घर द्वार चला रहे हैं, आधा रोटी खा के पानी पी के रह रहे हैं। ये तो बहुत प्रभावित चल रहा है, उधार कर्जा इधर इसे उसे वो कर्जा कर करके थक जा रहे हैं। यहाँ जाते हैं तो कितना कर्जा देते रहेंगे बोलते हैं, इसलिए आधा रोटी खा के ही अपना बाल बच्चा पेट को मतलब ही कर रहे हैं, आधा पेट के रह के सह रहे हैं पानी पी के। कारण है ये डिपार्टमेंट जो है ना, सो हमारे ऊपर कुछ नहीं सोच रहा है, ये डिपार्टमेंटल पॉलिसी है। कैक डिपार्टमेंट ठेकेदार के अधीन दिया है, ठेकेदार को यदि वो अथी करता 5,000 रुपया सिक्योरिटी रख के तब ठेकेदार बहाल करता है, तो कम से कम उसका सिक्योरिटी रखे, हम लोगों ने पेमेंट किया तो सिक्योरिटी से लेबर को पेमेंट कर दो, हैं वो मैटर से अथी उसका है, ठेकेदार का है, डिपार्टमेंट का है, तो बीच में लेबर पिसा रहा है। आखिर आपको कहेंगे नहीं ना कि हमें पैसा दीजिए, आप नहीं देंगे तो बिहार आपसे झगड़ा झंझट करके तो हम छुट्टी पा लेंगे, फिर इसमें काम करने लायक रहेंगे नहीं, तब तो जी सर करके ना आपसे पैसा लेना है। ज्ञान जो रोजी रोटी की आशा है भविष्य में वो भी नाश हो जाएगा यदि आपसे झगड़ा करके हम लेते हैं। तो कहने का अधिकारी तो कहते कहते थक गए, रोज स्टोर से आपके पर बोलते हैं सर भूख मरी है, गर्मी चूल्हा जले को उपाय नहीं है। अच्छा देखते हैं जी, उपाय करते हैं जी। हमने डिसीजन लिए कि अगर हम लोग का माइंड अगर क्लियर नहीं होगा तो हम लोग SDO और GM के खिलाफ केस करेंगे, इसके लिए जो तो ये जो स्थिति है केवल खूटी का है कि और भी दूसरे जोन का? सब जगह का है। तो पूरे झारखंड का है? हाँ, पूरे झारखंड रांची सर्किल का है। रांची सर्किल का है, खूटी लोहरदगा गुमला जितना भी लिखा है आपको वो सब सेक्शन है। मैंने इस मुद्दे पर वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि यह समस्या केवल उषा देवी की ही नहीं बल्कि इसके अलावा अन्य 11 कर्मचारियों की है। एक महिला होने के नाते मैं समझती हूँ महिलाओं के उस दर्द को कि नियमित वेतन नहीं मिलने से वे किन सारी परिस्थितियों से होकर के अपने परिवार को चलाती हैं। मैं चाहती हूँ कि सभी कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन जल्दी से जल्दी मिले एवं इन्हें नियमित वेतन और इनका स्थायीकरण किया जाए। अतः आप सभी दर्शकों से मैं अपील करती हूँ कि रांची शाखा के जनरल मैनेजर जिनका नंबर नीचे दिए गए हैं इस नंबर पर आप कॉल करके हमारी मदद करें। मैं अमिता, झारखंड के खूंटी जिले से, इंडिया अनहट के लिए।